नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल टिप्स एंड टिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक नए नॉलेज साथ फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज मेरे पास सेटअप बॉक्स आया हुआ है, फ्री डिश टीवी, फ्री सेटअप बॉक्स जो आता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें बीमारी जो है दोस्तों थोड़ा सा यूनिक तरह का है। बेसिकली इसमें बीमारी है दोस्तों, इसको मतलब चलते चलते जो है दोस्तों कुछ देर के बाद जो है इसका सिग्नल भी चले जाता है, इसका लाइन भी ऑटोमेटिक चले जाता है। और इसमें दोस्तों मैंने देखा है दोस्तों, खोल के मैंने देखा है, और थोड़ा यूनिक बीमारी था। तो दोस्तों सोचा कि आप लोगों को भी शेयर कर दूँ। तो दोस्तों, इसमें क्या बीमारी है दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहें और ज़रूर देखने को मिलेगा, और इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और दोस्तों, इसमें जो है चिप लेवल है दोस्तों, इसलिए जो दोस्तों ये आपका कार्ड है, ये आपका SMPS है, ये कार्ड है, ये डिस्प्ले का है दोस्तों, है ना। उसके बाद ये कीपैड का है इसका। तो दोस्तों, इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले ओपन करने का इसमें क्या है दोस्तों, देखिए ओपन कैसे किया जाता है इसको। बस इसको ज़्यादा नहीं, नॉर्मल वे में हल्का दाब के रखना है, निकल जाएगा, कोई विशेष ये नहीं है। पहले दोस्तों इसका बटन आता, बटन खोल लेंगे आप। अब मैंने दोस्तों इसका जो है इसको खोला है दोस्तों, इसमें कुछ काम भी किया है मैंने। और बीमारी जो है दोस्तों, ऐसा बीमारी जो आता है दोस्तों, होता था कि कस्टमर भी बोला कि हल्का ठोकते थे तब ठीक हो जाता था। तो दोस्तों इसको जो है दोस्तों मेहनत किया मैंने, ड्राई सोल्ड देखा कि कहीं से हल्का सा छूटा हुआ तो नहीं है, करके देखा मैंने बहुत अच्छा से लेंस वगैरह लगा के, मगर उससे जो है दोस्तों ठीक नहीं हुआ। काफ़ी लेंस से दोस्तों खोजा मैंने, हर तरह से देखा कि कहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, मगर बीमारी का पता नहीं चल रहा था। तो जब हम पूरा अच्छा से जब देखे दोस्तों, तो बीमारी दोस्त की देखिए दोस्तों कहाँ था दोस्तों, आपका जो दोस्तों ये जो है ना, ये चिप कार्ड जो है दोस्तों, कार्ड में दोस्तों ये जो ट्रिक चलते जाता है दोस्तों, ये ट्रिक में जब हटाएं दोस्तों, तो देखिए दिखाते हैं दोस्तों कुछ दोस्तों। ये आपको ऐसा बीमारी दोस्तों जो है, आप सोचिए कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है, प्रिंट लगा हुआ रहता है दोस्तों, शोल्डर जो दोस्तों लगा हुआ रहता है। एक मिनट, देखिए दोस्तों ये शोल्डर दोस्तों इसमें लगा हुआ था, ठीक है, दिक्कत कहीं से नहीं था, ठीक है। मगर क्या था दोस्तों, ये गौर से थोड़ा देखिए दोस्तों, इसका जो प्रिंट है दोस्तों, ये जैसे सोल्डिंग सटाया दोस्तों प्रिंट उखड़ गया, इसमें भी सोल्डिंग सटाया मैंने, इसका प्रिंट उखड़ गया, इसका प्रिंट सोल्डिंग सटाया मैंने, इसका प्रिंट उखड़ गया। ये समय दोस्तों ये जो खुद से काम किए हैं दोस्तों, ठीक है। जब ऐसा बीमारी मिला तो दोस्तों सोचे कि आप लोग को शेयर कर दो। तो देखिए दोस्तों, आप थोड़ा गौर से देखिए दोस्तों, थोड़ा जूम करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रिंट है दोस्तों, ये उखड़ गया दोस्तों, तो बस यहाँ से प्रिंट लेके इस पर सोल्ड करना है, ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसा कुछ बीमारी आता है दोस्तों। तो और इसका ये IC दोस्तों थोड़ा सा हल्का सा ड्राई सोल्ड जैसा लगा, तो हम सोल्ड कर दिए इसको। ऐसा बीमारी वहाँ से नहीं था दोस्तों, बीमारी यहीं से था दोस्तों। ये समय मैंने पूरा कर लिया है, इसमें सोल्ड जो है मतलब शोल्डर बाहर प्रिंट लेके नहीं आया, तो वो सब लगभग ठीक ही था दोस्तों। बीमारी हमको यहीं इसी जगह बुझाया। देखिए दोस्तों, इसमें भी जो है दोस्तों, इसमें भी नहीं सटा है, इसमें भी नहीं सटा है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों इसका ग्राउंड है, इसे फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोस्तों जो हिलेगा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा सोल्ड है ना दोस्तों। दोस्तों आप जो है क्या कर सकते हैं, कोई भी जैसे कोई भी तार हो दोस्तों, ये तार सबको आप जो है इससे जो है आप तार बना के सोल्ड कर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कुछ भी नॉलेज तो ज़रूर मिला हुआ दोस्तों, क्योंकि ऐसा ऐसा बीमारी आता है दोस्तों और पता नहीं चलता है। लोग ड्राई सोल्ड चेक करते रहते हैं कि कहाँ ड्राई सोल्ड है, कहाँ ड्राई सोल्ड है, वोल्ट वगैरह सब चेक करते रहते हैं, मगर इसमें भी जो है ऐसा होता है। और इस तरह का बीमारी हो तो ज़रूरी दोस्तों, जैसे आप जो है मतलब इस टाइप से पकड़ के देखें, ठीक है, ऐसे सोल्डर ये देखें, अगर प्रिंट उखाड़ा हुआ होगा दोस्तों, तो ऐसे जब करेंगे ना तो अपने ले देके उखड़ जाएगा। ये बात जान लो दोस्तों, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो दोस्तों उस दोनों में सोल्ड कर देते हैं हम। और दोस्तों कोई भी तरह का अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो ज़रूर कमेंट करें, जहाँ तक हो सके ज़रूर मैं सोल्यूशन दूंगा इसका। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये बना दिया है वायर का। देखिए दोस्तों, ये आपका है, ये दोस्तों थोड़ा सा जो शोल्डर जो है इसमें लगा देना है अच्छे से, ताकि सोल्ड अच्छा से हो सके उस जगह। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा देखिए अच्छा से,
दोस्तों आज इसमें कुछ बीमारी होगा नहीं, बस ये प्रॉब्लम हो दोस्तों और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम दोस्तों मैंने काफ़ी ठीक किया है, काफ़ी तो नहीं दोस्तों, दो और ठीक किया मैंने, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ ठीक नहीं किया मैंने दोस्तों। तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे अब किस टॉपिक पर वीडियो बना, उसको ठोकता दोस्तों ठीक हो जाता था दोस्तों, ये हो गया दोस्तों, दो हो चुका है। एक ये ग्राउंड है, इसका दोस्तों कनेक्शन तो है नहीं कहीं पे, फिर भी इसको सोल्ड कर देते हैं, ठीक रहेगा। और दोस्तों आप जो है ऐसा प्रॉब्लम हो तो दोस्तों सोल्डर जो है दोस्तों सोल्ड अच्छा से कर ले हर तरह से, ये सब जो दोस्तों ये सब का सोल्ड भी अच्छा से कर दें। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिला होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका सोल्डिंग जो दोस्तों छूट गया है, थोड़ा अच्छा से करना पड़ेगा सोल्डर। तो दोस्तों अब जो है इसको जो है दोस्तों बॉडी टच के दोस्तों इसको हम ऑन करके देखते हैं क्या फंडा है। तो दोस्तों इसको सेट करते हैं, दोस्तों इसको लाइन देके देखते हैं, देखिए दोस्तों ये लाइन आ गया है। देखिए दोस्तों ये जो है आप जो है ठोकते हैं तो बस लाइन भी जाता नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों एकदम टन टन है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।